हेलो स्टूडेंट्स टैक्साजी इन बायलॉजी में आप सभी का स्वागत तो है तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट आज के प्रैक्टिस सेट में भी पांच क्वेश्चन है इन पांच क्वेश्चन को सॉल्व करिए क्योंकि ये पांचों क्वेश्चन एन से हैं इन पांच क्वेश्चन को ही सॉल्व करके आपको ये पता चल जाएगा कि एन का अभी भी कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे आपको पढ़ना ज़रूरी है या आप भूल गए हैं या उससे क्वेश्चन आता है तो आपसे नहीं बन रहा है तो उस टॉपिक की रिविज़न ज़रूरी है इसलिए ये पांच क्वेश्चन सॉल्व करिए और अपने आप को बिल्कुल सही तरीके से प्रिपेयर करिए ताकि नीट के एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन मैच द कॉलम एंड चूज़ द करेक्ट आंसर कॉलम वन और कॉलम टू दिए हुए हैं इन्हें मैच करना है और इसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है कॉलम वन में फैमिली का नाम है कॉलम टू में एंड्रीशियम फार्मूला है तो फैमिली का नाम क्या क्या है ब्रेसिकैसी फेबसी सोलानैसी लिलियासी ये चार फैमिली ही आपको एनसीईआरटी में पढ़ने और बहुत अच्छे से पढ़ने हैं इसलिए पढ़ाई इनको मत छोड़िए ये बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिएगा ब्रासिकारियम फार्मूला जरा देख लीजिए ब्रैकेट में फ्यूज हैं थर्ड है ए नाइन प्लस प्लस वन का अरेंजमेंट है और नाइन फ्यूज हैं और लास्ट है ए टू प्लस फोर तो आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा तो जरा देखिए ऑप्शन हम लोग एक बार देख ले A का फोर यानी ब्रासिक फोर ए टू प्लस फोर बी का थर्ड फेबसी का थर्ड बताया जा रहा है यानी ए नाइन प्लस वन सी का वन सोलान एसी का वन बताया जा रहा है ए थ्री प्लस थ्री और डी का टू बताया जा रहा है यानी लीली एसी का ए और ब्रैकेट के अंदर फाइव दूसरा ऑप्शन देख ले ए का फोर ब्रासिक एसी का फोर ए टू प्लस फोर बी का थर्ड फेबसी का थर्ड ए नाइन प्लस वन और सी का टू बताया जा रहा है सोलान एसी का टू ए और ब्रैकेट के अंदर फाइव है और डी का वन लीलियासी का वन बताया जा रहा है ए थ्री प्लस थ्री थर्ड ऑप्शन देख ले ए का टू यानी ब्रासिक एसी का ए और फाइव फ्यूस्ट बी का थर्ड फेबसी का थर्ड ए नाइन प्लस वन नाइन फ्यूस्ट सी का फोर्थ सोलानैसी का फोर्थ बताया जा रहा है ए टू प्लस फोर और डी का वन बताया जा रहा है दैट इज लीलियासी का ए थ्री प्लस थ्री लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं ए का थर्ड है यानी कि ब्रासिक एसी का थर्ड ए नाइन प्लस वन बी का फोर्थ फेबसी का फोर्थ ए टू प्लस फोर सी का वन सोलानैसी का वन दैट इज़ ए थ्री प्लस थ्री एंड डी का टू लिलियासी ए और ब्रैकेट के अंदर फाइव तो इस तरीके से आपको इसमें चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन बताना है आप देखेंगे जो इनमें से सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी यस बच्चों याद रखें ये है ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर जिसमें ए का फोर यानी ब्रासिक एसी का फोर होता है ए टू प्लस फोर बी का थर्ड फेबेसी का थर्ड ए नाइन प्लस वन अरेंजमेंट होता है जिसमें नाइन फ्यूज होते हैं मस्ट रिमेंबर सी का टू यानी नेसी का टू ए और फाइव फ्यूज होते हैं नेसी में ये पांचों एंड्रेशियम फ्यूज होते हैं मस्ट रिमेंबर और डी का वन दैट इज लिलियासी का वन होता है ए थ्री प्लस थ्री तो ये जरूर से लर्न रखें और अगर नहीं लर्न है तो इसे आज ही लर्न करें चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू आपसे क्या पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट आपको इसमें से बताना है पहला स्टेटमेंट हम लोग पढ़ ले इलेक्ट्रिकल साइन आर मोर कॉमन इन आवर न्यूरल सिस्टम देन केमिकल साइन दूसरा देखिए द न्यू पोटेंशियल इन पोस्ट सिनाप्टिक न्यूरॉन मे बी आइदर एक्साइटरी एक्साइट्री इनहिबिटरी थर्ड देखिए हाइपोथैलेमस इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग एंड लास्ट वन देखिए द ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स दैट कनेक्ट टू सेबरल हेमिसफेयर आर कॉल्ड कारपोरा बाई जेमिना तो जल्दी से बताइए इसमें से सही जवाब कौन सा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना एक बार फिर से देखिए इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस आर मोर कॉमन इन आवर न्यूरल सिस्टम दैन केमिकल साइनेप्सिस द न्यू पोटेंशियल इन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोन में बी आई दर एक्साइट्री और इनहिबिट्री हाइपोथैलेमस इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग एंड द लास्ट वन इज द ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स दैट कनेक्ट टू सर्ब्रल हेमिसफेयर आर कॉल्ड कॉर्पोरा बाई जेमिना तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है करेक्ट स्टेटमेंट जो है इन चारों में से वो है ऑप्शन नंबर बी जो न्यू पोटेंशियल हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोन में वो या तो एक हो सकते हैं या तो इनहिबिट्री हो सकते हैं

कॉर्पस कैलोसम है ना तो ये आप देख रहे हो इस तरीके से इसमें से केवल बी ऑप्शन सही है चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री और ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है एन का इजैकुलेशन ऑफ ह्यूमन मेल कंटेन्स अबाउट टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड मिलियन स्पर्म्स ऑफ विच फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी डैश परसेंट स्पर्म मस्ट है शेप एंड साइज एंड एटलीस्ट डैश परसेंट मस्ट शो एनर्जेटिक मोर्टैलिटी तो आप जान रहे हो कि सिंगल इजैकुलेशन में ह्यूमन मेल नियरली 200 हंड्रेड टू थ्री मिलियन मिलियन से इजैकुलेट करता है जिसमें से डैश परसेंट स्पर्म का नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए एंड डैश परसेंट मस्ट शो वाइग्रस मोटिलिटी तो आपको बताना है इसमें से ऑप्शन ए 40 60 ऑप्शन बी 50 50 ऑप्शन सी 60 40 ऑप्शन डी 30 70 जल्दी से बताइए कितना परसेंट स्पर्म का नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए और कितना परसेंट स्पर्म एनर्जेटिक मोटिलिटी शो करना चाहिए फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी तो जल्दी से बताइए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है एकदम ये फैक्ट में है और ये लर्न होना चाहिए सभी को तो आप देखेंगे कि इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी दैट इज सिक्सटी फोर्टी सिक्सटी परसेंट स्पम मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज एंड एटलीस्ट लीज फोर्टी परसेंट मस्ट शो एनर्जेटिक मॉटिलिटी चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर फोर जरा ध्यान से देखिए इन मेजल्सन एंड स्टाल्स एक्सपेरिमेंट हेवी डीएनए वाज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉर्मल डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन फिर से एक बार देखिए इन मेजल्सन एंड स्टाल्स एक्सपेरिमेंट्स हेवी डी एन डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉर्मल डी एन सेंट्रीफ्यूगेशन इन ऑप्शन ए सीजियम हाइड्रोक्साइड ग्रेडियंट ऑप्शन बी अमोनियम क्लोराइड जिसमें नाइट्रोजन फोर्टीन है सी अमोनियम क्लोराइड जिसमें हेवी नाइट्रोजन है दैट इज़ फिफ्टीन और डी सीजियम ग्रेडियंट सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट जल्दी से बताइए इसमें से सही जवाब क्या होगा इन मेजल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट हेवी डी एन ए वॉज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉर्मल डी एन ए बाई सेंट्री इन सीजियम हाइड्रोक्साइड ग्रेडियंट अमोनियम क्लोराइड जिसमें नाइट्रोजन नॉर्मल है दैट इज़ फोर्टीन एंड सी ऑप्शन देख रहे हैं आप एन एच फोर सी एलमोनियम क्लोराइड जिसमें हेवी नाइट्रोजन है एन फिफ्टीन और सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट तो आप देखेंगे कि इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी दैट इज सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट यस तो हेवी डी एन ए को नॉर्मल डी एन ए से हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं बाई सेंट्रीफ्यूगेशन इन सीजियम क्लोराइड ओके ग्रेडियंट चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है एस एन पी विच इज प्रनाउंस्ड एज स्निप्स स्टैंड फॉर एस एन पी विच इज प्रनाउंस्ड एज स्निप्स स्टैंड्स फॉर ऑप्शन ए स्मॉल न्यूक्लियर प्रोटीन ऑप्शन बी सिंगल न्यूक्लियर प्रोटीन ऑप्शन सी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म ऑप्शन डी स्मॉल निकिंग पॉइंट्स जल्दी से बताइए क्या लगता है कि एस एन ए एस एन पी जिसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्निप्स इसका क्या मतलब होता है स्निप का फुल फॉर्म क्या होता है स्मॉल न्यूक्लियर प्रोटीन सिंगल न्यूक्लियर प्रोटीन सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म स्मॉल निकिंग पॉइंट्स तो आप देखेंगे कि इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी दैट इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज़म तो यहाँ पर हम लोगों का ये प्रैक्टिस टेस्ट फिनिश होता है बच्चों जो भी मार्क्स आए मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताए और जो जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है उसका आज ही आज एन सी आर टी से रिवाइज करें और बच्चों समय का पूरा यूटिलाइज़ करे ताकि नीट के एग्ज़ाम में जब आप प्रिपेयर हो कर जाएँ तो एक भी क्वेश्चन ना छूटे तो मिलते हैं हम लोग कल नए practice set ke with new questions and new challenges